सागर में खुरई के ऋषभ कुमार वार्ड में एक अज्ञात चोर ने मकान में घुसकर 9000 रुपए व 2 मोबाइल की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। खुरई के खिमलासा रोड ऋषभ कुमार वार्ड निवासी रमेश प्रसाद गोस्वामी ने खुरई शहरी थाने में एक लिखित आवेदन दिया है कि देर रात उनके घर में एक अज्ञात चोर द्वारा 2 मोबाइल व 9000 रुपए नागदा की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें, आहट सुनकर उनके बेटे ने चोर का पीछा भी किया, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर वह भाग निकला। शहरी थाना पुलिस ने आवेदन के आधार पर जांच शुरू कर दी है। सागर के खुरई में जगजीवन राम वार्ड में रहने वाले 35 वर्षीय एक युवक ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सागर जिले में खुरई के जगजीवन राम वार्ड में एक 35 वर्षीय युवक राहुल वाल्मीकि ने अपने घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मृत अवस्था में एक युवक को सिविल अस्पताल लाया गया था, जो कि फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। वहीं परिजनों के अनुसार मृतक ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगा ली है। पुलिस ने पंचनामा बनाकर कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उसके बाद शव परिजनों के सुपुर्द भी कर दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। क्या मामला यह है कि सीएससी खुरई से एक मृत मेमो प्राप्त हुआ था, जो राहुल पिता हरिचरण वाल्मीकि जगजीवन राम वार्ड का है। तो थाना पर मर्ग कायम किया गया, फिर अस्पताल जाकर मैंने पंचनामा कार्रवाई की थी, जो बाद पीएम के शव को परिवार जनों के सुपुर्द किया गया। मामला भी जांच में है। प्रदेश की सरकार क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए नए निवेशकों को आमंत्रित कर रही है, जिसमें प्रदेश के युवाओं को रोजगार का मौका मिल सके। वहीं खुरई के ऑडिटोरियम में सीआईआई संस्था के द्वारा बेरोजगार युवाओं के करियर काउंसलिंग सेमिनार का आयोजन किया गया। खुरई के शासकीय पंडित केसी शर्मा उत्कृष्ट विद्यालय में गुरुवार को बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए एक रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले का आयोजन प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह द्वारा कराया जा रहा है। रोजगार मेले में 25 से अधिक कंपनियां हजारों वैकेंसी के साथ उपलब्ध रहेंगे। आपको बता दें, खुरई विधानसभा के बेरोजगार युवाओं स्कूली बच्चों को इन कंपनियों में नौकरी के आवेदन के लिए सुविधाएं एवं मानसिक रूप से तैयार करने व इंटरव्यू के लिए किस प्रकार से जवाब देना है, इसके लिए छात्र छात्राओं को तैयार किया जा रहा है। इसके लिए शहर के सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑडिटोरियम में नियोजन पूर्व तैयारी एवं करियर काउंसलिंग कार्यशाला आयोजित की गई। जानकारी देते हुए संस्था के स्ट्रीट हेड ने बताया कि इस काउंसलिंग के माध्यम से बच्चों को यह मार्गदर्शन दिया गया है कि इंटरव्यू में किस प्रकार से अधिकारियों से जवाब दिया जाए और अपने अनुभव या शैक्षणिक उपलब्धियों को किस प्रकार से प्रस्तुत करें, जिससे कि अधिकारी उनसे प्रभावित होकर उन्हें नौकरी में प्राथमिकता दें। करियर काउंसलिंग में आए युवाओं ने बताया कि यह काउंसलिंग होने से उन्हें बहुत ही फायदा मिला है। रोजगार मेले में भी अपना आवेदन प्रस्तुत करेंगे, इसके लिए उन्हें पहले से टिप्स दी गई है। करियर काउंसलिंग द्वारा कई स्ट्रैपों में जानकारी भी दी गई, किसी भी कंपनी में आवेदन कराने के पहले क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, किस काउंसलिंग का भविष्य में हम लोगों को क्या फायदा होगा। काफी अच्छा प्रोग्राम हमारे क्षेत्र में हो रहा है, बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ आकर, नए नए लोगों से मिलने मिला और काफी एजुकेटेड लोग से मिलने मौका मिला, जो चीज़ नहीं पता थी वो चीज़ जानने का मौका मिला। और काफ़ी बच्चों ने जो हम लोग गलती कर चुके हैं, जो हमें गाइडेंस नहीं मिली, वो यहाँ पे 10th क्लास के बच्चों को जो गाइडेंस दी गई कि सब्जेक्ट कैसे चूज़ किया जाता है, आगे फ्यूचर में कैसे डिसाइड किया जाता है कि आप क्या करना चाहते हैं, ये सब जानने को मिला। और ये भी जानने को मिला कि कंपनीज किस क्वालिफिकेशन किस चीज़ की किस क्राइटेरिया पे जॉब देती है। क्या जैसे लोग बोलते हैं कि जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब है, बस ज़रूरत है तो क्वालिटी की। CII MCC और सागर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर हमारा ये पूरा प्रोग्राम है, जिसमें हम पहला दो भाग हैं। पहला करियर मार्गदर्शन है और दूसरा है रोजगार मेला। करियर मार्गदर्शन जो कि आज चल रहा है, इसमें हमने खुरई के आसपास के सभी बच्चों को बुलाया हुआ है और हम उनको कैसे इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं, प्री एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जैसे रिज्यूमे राइटिंग,
और इसके बारे में कैसे कॉन्फिडेंस के साथ आपको इंटरव्यू देना चाहिए उसके बारे में आज पूरा हमने यहाँ पे अपने स्पेशलिस्ट भी बुलाए हुए हैं, जिसमें कई काउंसलर्स भी हैं और हमारी पूरी टीम शामिल है। आज हम ये सेशन करके बच्चों को एक तरीके कल के लिए तैयार कर रहे हैं। कल लगभग 15 से 20 कंपनियाँ आएंगी, जिनमें लगभग 3500 से 4000 तक वैकेंसी रहेंगी। उसके लिए ये बच्चों का हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिससे वो कल रोजगार मेले में अधिक से अधिक लाभ उठा सके। कहते हैं अति का अंत होता है। जी हाँ, चोर चाहे खुद को कितना भी शातिर, चालाक और अक्लमंद क्यों ना समझे, लेकिन जब अति हो जाती है तो उसका अंत हो ही जाता है। कुछ ऐसा ही मामला खुरई के गांधी वार्ड में देखने को मिला है, जहां लगातार 5 दिनों से एक ही घर में चोरी कर रहा चोर मकान मालिक के हत्थे चढ़ गया, जिसके बाद मकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी और चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों से खुरई शहर में चोरों का बहुत आतंक मचा हुआ है। लगातार चोरियों की घटना से आम नागरिक भी बहुत परेशान हो चुके हैं। नरेंद्र सिंह ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके गांधी वार्ड में बन रहे एक मकान पर पिछले 5 दिनों से लगातार चोरियां हो रही हैं। हालांकि मकान मालिक नरेंद्र ने मंगलवार की रात चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। शिकायतकर्ता ने बताया कि गांधी वार्ड के दुबे कॉलोनी में उसका मकान बन रहा है, जहां पर निर्माण की बहुत सारी सामग्री और इसके अलावा खेती किसानी का सामान भी रखा हुआ था। एक चोर द्वारा लगातार 5 दिनों से चोरी की जा रही थी। मंगलवार की रात मंदिर से लौटते समय रात करीब 2:30 बजे मकान पर जाते समय उन्होंने देखा कि एक युवक उनके मकान में घुसकर चोरी कर रहा है। अपने साथियों के साथ उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। शिकायतकर्ता ने बताया कि पड़ोसियों के वीडियो फुटेज के आधार पर चोरों की संख्या 3 है, जो कि रात 2 बजे तक शहर में चोरियां करके पूरा सामान उनके मकान पर रख देते थे। उसके बाद चोरी का सामान और उनके मकान का सामान उठाकर ले जाते थे। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। अरे FIR करवाने आ रहे चोरी की, 5 दिन से रेगुलर चोरी हो रही है दुबे कॉलोनी में। क्या हुआ था? पाइप लोहे की पाइप चली गई, रॉड चली गई, केबल चली गई। फिर 5 दिन हम लोगों ने जाके रात को 2:30 बजे मंदिर से लौटते समय चोर को पकड़ा और इसको पेश किया, जो अपना नाम बता रहा था, महेश अहिरवार, पिता राजा राम अहिरवार, निवासी है दही अपना सचिव मंदिर के बाजू में। थाने में रिपोर्ट कर दी। 5 दिन से आप ही क्या की चोरी? 5 दिन से रेगुलर हमारी चोरी कर रहा था। क्या क्या ले गया? 15 पाइप ले गया, कुछ लोहा ले गया, 2 दिन केबल ले गया। प्रदेश में लगातार बदमाशों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन नई नई घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। खुरई के टीहर गांव में रहने वाली एक महिला ने थाने में 5 आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जहां महिला ने बताया था कि उसका मकान बनाने के लिए रखा 2 क्विंटल लोहा बदमाशों के द्वारा छीन कर ले गए। टीहर गांव निवासी एक आदिवासी महिला हीराबाई ने शहरी थाने में आकर शिकायत दर्ज कराई थी कि खुरई निवासी नवल कुशवाहा ने उसके घर के सामने रखे मकान बनाने के लिए लोहा जबरन छीन लिया। महिला ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास के तहत उसका मकान टीहर गांव में बन रहा है। किश्त आने के बाद 4 क्विंटल लोहा खरीदा गया था। आरोपी नवल कुशवाहा अपने 4 साथियों के साथ उसके घर आया, जब उसके पति घर पर नहीं थे। उसके साथ गाली गलौज करते हुए उसका हाथ मोड़ दिया और एक वाहन पर 4 क्विंटल लोहे में से 2 क्विंटल लोहा उठा कर ले गए। जाते जाते आरोपी ने जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने आवेदन के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और जाँच शुरू कर दी है। नवल हम लोहो लेगा थाने आए हम। क्या हुआ, क्या था, क्यों ले गए? काफी झगड़ा करके रहे, क्या गाड़ी आई हमारे हाथ पकड़ी थी, 5 जन प्रदेश में आए दिन नाबालिग बच्चियों के साथ छेड़खानी के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। वहीं खुरई शहरी थाना अंतर्गत एक गांव में स्कूल के बाहर खेल रही 6 और 8 वर्ष की 2 सगी मासूम बच्चियों से एक नाबालिग आरोपी ने छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया। खुरई शहरी थाने के अंतर्गत एक गाँव में 2 मासूम बहनों से छेड़खानी का मामला सामने आया है।
छह और आठ वर्ष की दो मासूमों के परिजनों ने शहरी थाने में आकर मामला दर्ज कराया है कि गांव के ही एक 16 वर्षीय किशोर ने उनकी दोनों बच्चियों को मंगलवार की सुबह लगभग 10 बजे स्कूल के बाहर खेलते समय बगीचे में ककड़ी खिलाने के बहाने ले गया, जहां पर बड़ी बच्ची के साथ बुरी नीयत से छेड़खानी करने लगा। उसका मुंह दबाकर जमीन पर पटक दिया, जिससे उसके मुंह में से खून निकलने लगा। छोटी बच्चे के चिल्लाने पर उसका मुंह बंद कराने लगा तो दोनों मौका पाकर भाग निकली। घटना को अपनी माँ को बताया। उस समय उसके पिता मजदूरी करने गांव से बाहर गए थे, जबकि चाचा वगैरह खुरई आए थे। बरसात के कारण घर पर देर रात पहुंचे, जिससे दूसरे दिन रिपोर्ट दर्ज कराई गई। परिजनों व बच्चियों के बयानों के आधार पर नाबालिग आरोपियों पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं सहित पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है। खुरे के सेठ ऋषभ कुमार वार्ड में तार फेंसिंग को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। वहीं घटना में दो लोग घायल हो गए हैं। मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कर लिया है। खिमलारा सर रोड पर स्थित सेठ ऋषभ कुमार वार्ड में तार फेंसिंग करने को लेकर एक ही खानदान के दो परिवार आपस में भिड़ गए, जिसमें लोहे के औजारों से एक दूसरे पर हमला कर घायल कर दिया, जिसमें दोनों पक्षों से एक युवक व एक युवती घायल हुए हैं, जबकि तीन को मामूली चोटें आई हैं। एक पक्ष से हरिशंकर कुशवाहा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनेश उसके घर के रास्ते में तार फेंसिंग कर खंभा गाड़ रहा था, जिसे मना करने पर गालियां देने लगा। इतने में उसके दो साथी कुलदीप व अनुज ने आकर मारपीट शुरू कर दी, जिसके बाद मेरी बेटी व पति बचाने के लिए आए। बेटी सोनम को कुलदीप ने लोहे का सब्बल मार दिया, जिससे उसके सर में व आंख में गंभीर चोट आई है। पुलिस ने आरोपी पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। दूसरे पक्ष से दिनेश पटेल ने शिकायत की है कि उसकी फेंसिंग को लगाने को लेकर विवाद करते हुए हरिशंकर उसकी बेटी सरोज, संजू व सोनू से मारपीट की है। उसके बेटे को सीने में सब्बल मार दिया गया है। पुलिस ने दूसरे पक्ष में भी तीन आरोपियों पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। कुरे के निरताला गांव में स्थित मिल में 3,75,000 रुपए का चना मसूर भरकर भोपाल के लिए निकला ट्रक चालक 14 अगस्त से लापता है। आपको बता दें, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है। खुरे के गल्ला व्यापारी ने देहात थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनका 3,75,000 रुपए की कीमत का अनाज चोरी हो गया है। शिकायतकर्ता 74 वर्षीय जय नारायण हुरकट ने बताया कि उन्होंने 100 कट्टी चना व 100 कट्टी मसूर कुल वजन 60 क्विंटल, जिसकी कीमत लगभग 3,75,000 रुपए, निरतला स्थित अपनी मिल से 14 अगस्त को भोपाल के लिए एक व्यापारी को भेजा था। अनाज उन्होंने बीना के विजय रोड लाइंस के ट्रक से भिजवाया था। जब भोपाल व्यापारी के पास माल नहीं पहुंचा तो उसने जानकारी दी। इस संबंध में रोड लाइंस वाले के से पूछने पर जानकारी मिली कि उनका ट्रक ड्राइवर रूपेश कुमार सलामतपुर के पास ट्रक छोड़कर भाग गया है और माल कहीं बेच दिया है। जीपीएस के माध्यम से जानकारी जुटाने पर पता चला कि ट्रक पाठरी में लगभग 10 घंटे व रास्ते में एक और जगह भी 10 घंटे रुका। शायद इन्हीं जगहों पर उसने माल उतरवाया होगा। कई जगहों पर तलाश करने और पता लगाने पर अनाज बेचे जाने की कोई सूचना नहीं मिली। देहात थाने में ट्रक चालक रूपेश लोधी निवासी खुरई नाकाबीना के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मैंने 14 तारीख को विजय रोड लाइन बीना वालों के मार्फत ट्रक भरा था, जिसमें मैंने 100 कट्टे चने और 100 कट्टी मसूर भोपाल के लिए आरोप ट्रेडर्स को बेचा था। वह ठेला जो है उसी दिन सब रात को निकल गया, उसको दूसरे दिन पहुंचना था, क्योंकि वो किसी कारणवश रास्ते में कहना खराब हुआ, ऐसा बहाना बताते बताते उसने दो दिन निकाल दिए। जब सोमवार सुबह तक वो ठेला नहीं पहुँचा और वहाँ से उस पार्टी का फोन आया कि आपका माल नहीं पहुंचा, तब विजय रोड लाइन वालों से हमने बात करी तो उनने फिर उसकी इंक्वायरी करी तो ठेला हमको सलामत के आसपास खाली खड़ा हुआ मिला। तो इससे यह मालूम पड़ा कि ड्राइवर ने माल बेचकर और वो फरार हो गया।